चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आज रविवार को द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हो गया है। धर्म बहादुर जैन 285 मतों के साथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसके साथ ही उनके गुट के सभी सदस्यों ने मंदिर सभा के अन्य पदों पर जीत हासिल की। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डालने की प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी गई, जिसमें स्वास्तिक के चुनाव चिन्ह पर धर्म बहादुर जैन गुट ने विजय हासिल की। वहीं दूसरी तरफ मंदिर चुनाव के लिए ताल ठोकने वाले प्रतिद्वंदी गुट और प्रेसिडेंट उम्मीदवार अजय जैन को हार का सामना करना पड़ा। अजय जैन को 218 वोट पड़े, जबकि धर्म बहादुर जैन को 285 वोट मिले। अजय जैन गुट ने दीपक के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। जय जिने, ये हमारा आज हमने जो चुनाव आज मतलब कि हो रहा था हमारा चुनाव, उसमें हमारी जो टीम है, हमारा पक्ष है, वो सातों की सातों वोटों से जीता है। और जिसमें 514 वोट पोल हुई थी, 292 वोट हमारे को मिली है और 210 वोट के करीबन दूसरे पक्ष को मिली है। बिना किसी झगड़े के बड़े शांति ढंग से, बड़े बढ़िया ढंग से ये मतलब कि चुनाव हुआ और सभी लोग मतलब कि इससे हर्षोद्वार्जित हैं, बहुत अच्छे ढंग से हुआ। धन्यवाद। जैन साहब, वोटों का कितना अंतर है? 80 वोटों के अंतर से हम जीते हैं साहब। हमारी सातों की सातों वोटें मतलब की करीबन आई है। मैं संत कुमार जैन, दिगंबर जैन सोसाइटी के चुनाव में महामंत्री के पद पर समाज के द्वारा नियुक्त किया गया। हमने 7 लोगों ने यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और 7 के 7 हम विजयी हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे निर्वाचन अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने सौहार्दपूर्ण ये चुनाव संपन्न कराया। उसके बाद सभी जैन समाज के उन महान व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस चुनाव में सहयोग करके, इस चुनाव में सम्मिलित होकर अपना कीमती वोट देकर, समय देकर ये चुनाव संपन्न कराया। हमारी कमेटी पहले भी सामाजिक और धार्मिक कार्य करती रही है, आगे भी इसी प्रकार और भी अच्छे बढ़ चढ़ कर सामाजिक और धार्मिक कार्य करेंगे और समाज से इन सब के लिए हम सहयोग की उम्मीद रखते हैं। और समाज भी जिस प्रकार तन मन धन से पिछली बार हमें सहयोग करता रहा, इसी प्रकार आगे भी करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।